उठने के बाद ध्रुव घर जाने की बजाय सीधे मंदिर जाकर आसन लगाकर ध्यान में बैठ गया। ध्यान में जाने के बाद धीरे धीरे करके उसका पूरा शरीर हल्का महसूस होने लगा और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी जो उसके आसपास के अंधकार को दूर कर रही थी। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी और ध्रुव का ध्यान टूट गया। उसने देखा कि मंदिर के कुछ पुजारी संध्या आरती के बाद इस वक्त मंदिर की सफाई करने का काम कर रहे थे, जिसके बाद मंदिर के बंद होने का समय होने वाला था। ध्रुव मंदिर के बरामदे से उतरकर प्रांगण की तरफ बढ़ गया। तभी उसे उन पुजारी की आवाज सुनाई दी। हाँ, इन लोगों के आने के बाद ही तो हमारे गुरुजी यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि गुरुजी आखिर गए कहाँ। अभी तक उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पाया है। मैं जब भी उनके बंद कमरे को देखता हूँ तो लगता है कि अब गुरुजी कमरे से बाहर आएंगे और बोलेंगे कि वो किसी ग्रंथ के अनुवाद में लगे हुए थे। लेकिन फिर उनके कमरे से बाहर लगे ताले पर जब नजर पड़ती है तो लगता है कि गुरुजी अब लौट कर नहीं आएंगे। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं रही गुरुजी के लौट कर आने की। जाने ऐसा क्या हो गया कि रातों रात गुरुजी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। तभी दूसरा पुजारी बोला, अरे इसमें इन बेचारों की क्या गलती है। तुम्हें याद नहीं, गुरुजी जब गए उससे कुछ दिन पहले से अक्सर गुरुजी के कमरे से रात के वक्त किसी औरत के चीखने की आवाज आती थी। ऐसा लगता था कि कोई औरत गुस्से में गुरुजी से बात कर रही थी और गुरुजी उसे समझाने की कोशिश करते थे। हैरानी की बात तो ये थी कि जब हम वहाँ जाते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता था। मुझे तो लगता है कि गुरुजी के साथ कोई मानसिक समस्या हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति के अंदर कई तरह के व्यक्तित्व आ जाते हैं। गुरुकुल में मैंने मनोविज्ञान के विषय में इस मानसिक बीमारी के बारे में पढ़ा है, बल्कि कई बार तो बड़े पुजारी जी भी खुद इस तरह की बातों के बारे में बताया करते थे। उस वक्त तुम यहाँ आए नहीं थे, तुम तो बहुत बाद में आए हो। दोनों शिष्य जो फिलहाल इस मंदिर के पुजारी का भी कार्यभार संभालने लगे थे आपस में बात कर रहे थे और ध्रुव का पूरा ध्यान उनकी तरफ था। ध्रुव ने उनकी एक एक बात सुन ली थी। तभी ध्रुव ने अपने मन में कहा, हाँ वाकई में पुजारी जी का गायब होना भी तो अपने आप में एक रहस्य था। जिस तरह से चेरी, ठकुराइन, भंवरी देवी सब हवेली में ही कैद करके रखे गए हैं, कहीं पुजारी जी को भी तो ऐसे ही कहीं नहीं रखा गया है। हो सकता है पुजारी जी को सुमेर के बारे में पता चल गया हो, क्योंकि भले ही वे हवेली के लिए इतने ज्यादा समर्पित थे लेकिन वो भी कभी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। हो सकता है उन्हें सुमेर के बारे में कुछ पता चला हो जिसका उन्होंने विरोध किया हो, और ये लोग जिस औरत की बात कर रहे हैं वो हो ना हो ठकुराइन ही रही होगी। लेकिन पुजारी जी तो उन सबसे पहले गायब हुए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुमेर ने अपने सबसे बड़े समर्थक, जो उसके कई उटपटांग कामों में भी उसे नादान समझकर सही दिशा दिखाकर माफ कर दिया करते थे, उनके साथ ऐसा किया। खैर मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, जब उसने अपनी जन्म देने वाली माँ और पिता को नहीं छोड़ा तो पुजारी जी तो फिर भी कोई नहीं लगते थे। उसके बाद ध्रुव मंदिर के प्रांगण पर ही रेलिंग पर बैठा हुआ था और सोच रहा था, तब उसकी नजर एकदम से मंदिर के बगल में बने पुजारी जी के कमरे की तरफ गई। पुजारी जी के कमरे की तरफ देखते हुए अचानक उसने सोचा, अगर पुजारी जी के बारे में कुछ जानना है तो मुझे उनके कमरे में एक बार देखना जरूर होगा। जैसा कि ये लोग अभी बात कर रहे थे, उनके कमरे में शोर होता था, किसी औरत के गुस्से से चिल्लाने की आवाजें आती थी। हो ना हो उनके कमरे में मुझे कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जो पुजारी जी से जुड़ा हुआ होगा। और जहां तक मुझे पता है ये बात सुमेर ने ही सबको कही थी कि पुजारी जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। ध्रुव अभी पुजारी जी के बारे में सोच ही रहा था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जब ध्रुव उस कच्ची झोपड़ी की बस्ती के पास जाने के लिए घर से निकला था तब उसने सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट किया था, ताकि अगर किसी का कॉल भी आए तो उन लोगों को ऐसा ना लगे कि अगर इसके पास फोन था तो उसने कॉल करके किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। ध्रुव ने अपना फोन देखा तो उस पर विक्की का नंबर शो हो रहा था। ध्रुव ने जैसे ही कॉल उठाया दूसरी तरफ से विक्की बोला, कहाँ हो ध्रुव, छलावा भी कब से आया हुआ है और तुम्हारी राह देख रहा है, हमने कितनी बार कॉल किया पर तुमने उठाया ही नहीं। ध्रुव बोला, हाँ वो मैं मंदिर में हूँ, मैं बस आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में। विक्की ने कहा, हाँ जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो फिर से कहीं चली गई है। जैसे ही विक्की ने ये कहा ध्रुव चौंक कर बोला, कहाँ गई है, कुछ बता कर गई क्या। विक्की बोला, नहीं लेकिन ऋतु ने उनको जब जाते हुए देखा और सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो बेचारी बुजुर्ग महिला हम जवानों के बीच में रहकर ऊब जाती है, इसीलिए गाँव में अपनी हमउम्र औरतों से मिलजुल कर थोड़ा मन बदलने जा रही है। ध्रुव समझ गया कि हो ना हो ये उसी बस्ती में गई होगी। एक बार के लिए ध्रुव के मन में आया कि वो अभी इसी वक्त वहां जाए और अपनी आंखों से देखने की कोशिश करे, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, नहीं ध्रुव इस तरह उतावला होने से काम नहीं चलेगा, अगर तू इतना उतावला हो जाएगा तो हालात सुलझने की बजाय उलझ भी सकते हैं। ये बात याद रख कि अब अगर उनमें से किसी ने तुझे वहां देख लिया ना तो बैठे बिठाए तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ काम लेने में ही तेरी भलाई है।
फिलहाल घर जाकर देखता हूँ छलावा क्या खबर लाया है। इतना सोचकर ध्रुव जैसे ही उठा और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि उन मंदिर की सीढ़ियों के नीचे कोई दुबक कर बैठा हुआ था। पहले तो ध्रुव को लगा कि कोई कुत्ता है जो ठंड के मारे दुबक कर बैठा है, लेकिन जब उसने गौर किया तो वो कोई कुत्ता नहीं था बल्कि फटी पुरानी चादर ओढ़े कोई इंसान था। ध्रुव ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो, चोर हो क्या? ध्रुव के इतना कहते ही वो जल्दी से उठ गया और बोला, नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो। वो इतना बोला ही था कि ध्रुव की नजर उसके चेहरे पर चली गई कि वही लड़का था जिसे ध्रुव ने उन लोगों के साथ वहां देखा था, जो उस वक्त बहुत डरा सहमा नजर आ रहा था और इस वक्त भी बहुत घबराया लग रहा था। उस लड़के की नजर जैसे ही ध्रुव पर गई, उसके चेहरे की घबराहट एकदम से शांत हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो ध्रुव की तलाश में था। ध्रुव को देखते ही वो बोला, आप यहाँ हैं? मैं आप ही के पीछे आया था, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ध्रुव हैरानी से बोला, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुम मुझे कैसे जानते हो? उस लड़के ने घबराते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानता, आपके जाने के बाद वो सब लोग बात कर रहे थे कि आपके वहाँ मौजूद होने से उनकी पूजा में विघ्न आ गया और वो मूर्ति टूट गई। ये सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था और घर से बाहर निकल गया और जहाँ आप आग जलाकर बैठे थे वहीं पर टहलने लगा, तभी मुझे वहाँ ये मिला। ध्रुव ने देखा उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। ध्रुव की जेब में हमेशा कुछ ऐसी चीजें रखी होती थी जैसे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक छोटी सी गंगा जल, कुछ रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके, माउली कपूर लौंग और सिंदूर की एक डिब्बी, ये सब उसकी जेब में रखी रहती थी। ध्रुव ने उससे रुद्राक्ष ले लिया और बोला, ये तो मेरा है। उस लड़के ने कहा, जी इसीलिए तो मैं आपको ढूंढता हुआ आया हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने इस माला को छुआ मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आगे रोशनी हो रही है और वो रोशनी मुझे अपनी तरफ आने के लिए कह रही है। मैं इस रोशनी का पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, इसीलिए मैं यहाँ छुप गया। ध्रुव को वो लड़का बड़ा ही निर्दोष और मासूम सा लगा। ध्रुव ने देखा कि उस वक्त इसके चेहरे पर जो चोट के निशान और सूजन थी वो भी बिल्कुल गायब हो चुके थे। ध्रुव ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें किसी ने मारा था? उस लड़के ने अपना सर झुका लिया और बोला, लेकिन आपके रुद्राक्ष को छूते ही मेरा सब कष्ट दूर हो गया। कौन है आप, क्या कोई बाबा है? उसकी बातों से ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, नहीं मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, एक सामान्य इंसान जो चाहता है कि संसार में सिर्फ इंसानों का ही राज हो और इसके ऊपर सिर्फ देवताओं की शक्ति राज करे, न कि कोई और। इतना कहकर ध्रुव उसे गौर से देखने लगा। ध्रुव ने देखा कि अचानक उसकी आंखें फिर से बेचैन हो गई और वही डर दोबारा नजर आने लगा जो थोड़ी देर पहले भी था। ध्रुव ने कहा, क्या बात है, तुम अचानक इतना डर क्यों गए? अच्छा एक बात बताओ, तुम किस मूर्ति की बात कर रहे थे? वो घबरा कर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, वो एक बड़ी सी मूर्ति है लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। इतना कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। ध्रुव बोला, तुम झूठ बोल रहे हो ना, देखो तुम एक अच्छे लड़के हो और इस वक्त तुम मेरे सामने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हो, तुम्हें पता है ये वो जगह है जहाँ कुछ नहीं छुपता। सच बताओ, तुम जिस मूर्ति की बात कर रहे हो उसके बारे में तुम जानते हो ना, क्या है वो मूर्ति? उस लड़के ने इधर उधर घबरा कर देखा और फिर धीरे से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस मूर्ति के बारे में नहीं जानता, लेकिन वे लोग कहते हैं कि वो उनके भगवान की मूर्ति है, लेकिन पहले तो वो उनके भगवान नहीं थे, वो कोई नए भगवान है, लेकिन वो बहुत डरावने हैं। धरती के नीचे एक गुप्त जगह बनाई गई है जहाँ की दीवारें काले रंग की है, वहीं पर उस मूर्ति को रखा गया है। उस मूर्ति की आंखें, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी उसमें से अंगारे निकलने लगेंगे, कभी कभी तो उसमें से गुर्राने की भी आवाज सुनाई देती है। मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या है, मैंने एक बार छिपकर देखने की कोशिश की थी तो बस इतना ही देख पाया था और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। ध्रुव ने उसकी कलाई पकड़ी और उसके हाथ में बंधे मौली के धागे को दिखाते हुए कहा, लेकिन तुम तो उनमें से नहीं लगते, उनमें से किसी के हाथ में इस तरह का कोई धागा या फिर गले में कोई ताबीज या माला कुछ नहीं था, तुम सबसे अलग थे, ऐसा क्यों? ध्रुव की बात पर उस लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता, वे लोग सब एक जैसे हैं, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, उन्होंने तो मेरे बूढ़े चाचा को बहुत सारे पैसे दिए और बदले में मुझे खरीद लिया, वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आए, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं उनके साथ उनकी पूजा करूं, लेकिन जब भी मैं वहां से निकलने की कोशिश करता तब वो लोग मुझे मारने लगते थे, जैसे कि जब आप आए थे तब भी उन्होंने मुझे मारा था। ध्रुव को इतना तो समझ में आ गया था कि वे लोग इस लड़के को अपनी तरह नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों, और खुद जो टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं वो इतना सारा पैसा देकर एक लड़के को बकायदा खरीद कर लाए हैं, एक इंसान को खरीदा कैसे जा सकता है और उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इस वक्त ध्रुव के मन में ये सारी बातें चल रही थी।